नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। गाजा पट्टी पर इसराइल के हमले रुक नहीं रहे हैं। रात भर में इसराइल ने 70 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। राजस्थान के कई इलाकों में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। टोंक, कोटा, गंगापुर में एनआईए की छापेमारी चल रही, कई संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। पंजाब पुलिस ने तस्करी के इंटरस्टेट नेटवर्क को तोड़ते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एक संयुक्त ऑपरेशन में मोहाली के मुल्लापुर दाखा से एक ड्रग तस्कर को पकड़ा है। उसके पास से 38 फर्जी नंबर प्लेट और एक रिवॉल्वर के साथ 4.94 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। बिहार के पूर्णिया में सुबह सुबह इनकम टैक्स के अधिकारियों ने छापेमारी की है। यह छापेमारी मिली एजुकेशनल ट्रस्ट के 4 सदस्यों के घर पर एक साथ पड़ी है। अमिताभ बच्चन आज अपना 81वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने फैंस और फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। वर्ल्ड कप 2023 में जब भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान में होगी तो उसकी प्लेइंग 11 में एक बड़ा बदलाव नजर आ सकता है। टीम इंडिया और अश्विन को बेंच पर बिठाकर शार्दुल ठाकुर को मौका दे सकती है। पश्चिम एशिया में इसराइल और फिलिस्तीन के बीच आज 5वें दिन भी युद्ध जारी है। हमास के हमले के बाद शुरू हुए इस युद्ध के फिलहाल कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया गया है कि एनसीपी में जिम्मेदारियों के बढ़ने के कारण ऐसा फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी शिवसेना अपनी दहशत रैली मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में आयोजित कर सकती थी, लेकिन सरकार के मुखिया के रूप में उन्होंने कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज से इस योजना पर आगे नहीं बढ़ने का फैसला लिया। महाराष्ट्र सरकार ने बच्चियों के जन्म और शिक्षा में आर्थिक सहायता देने को लेकर अहम फैसला लिया है। सीएम एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक की जिसमें लड़कियों की प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में सहायता राशि देने का फैसला लिया गया। महाराष्ट्र सरकार कैबिनेट की बैठक में नमो शेतकरी महा सम्मान निधि योजना की पहली किश्त मंजूर हो गई है। जल्द ही किसानों के खाते में 2,000 रुपए की राशि आ जाएगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने महायुति सरकार में 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर उन्होंने शरद पवार से अलग होकर दूसरा गुट बनाने के फैसले को सही ठहराया। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले ने गोवा में एसटी आरक्षण पर दिए बयान पर यू टर्न ले लिया है। आठवले ने एसटी समुदाय से माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें राज्य के तथ्यों की सही जानकारी नहीं थी। राष्ट्रीय सेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत केरल के दौरे पर गए हुए, जहां पर उन्होंने केरल के प्रसिद्ध श्री पद्मनाभम स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी हांगझोउ एशियन गेम्स में भाग लेने वाले एथलीटों से मुलाकात की और विजेताओं की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने भारत की मेडल टैली पर संतुष्टि भी जाहिर की। श्रीलंका के खिलाफ खेले गए रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। मोहम्मद रिजवान ने 131 नॉट आउट रन बनाकर पाकिस्तान की जीत में सबसे अहम किरदार अदा किया। आमिर खान एक बार फिर से कमबैक करने के लिए तैयार है। हाल ही में उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि यह फिल्म तारे जमीन से मिलती जुलती है। सलमान खान का मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस 17 अक्टूबर 15 से कलर्स टीवी पर ऑन एयर होगा। देश के सबसे बड़े विवादित शो में लगभग 15 कंटेस्टेंट शामिल होंगे। फुकरे 3 को दर्शकों से भरपूर प्यार मिला है। अब इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं और इसकी कमाई में गिरावट अभी देखी जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जाति की गणना वैज्ञानिक ढंग से की गई है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सभी विधायकों को आंकड़ा भी मुहैया करा दिया जाएगा। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।